कुशीनगर जिले में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला है। इस गांव में हाहाकार मच गया है। हमन के गांव में भोले जी ऊपर आ गई ना, तब उनकर रक्षा कर लिए, तो हम लोग रक्षा हुई ना। हाँ। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला है, थोड़ा दिखा दीजिए, घुमा कर दिखा दीजिए पूरा। लोग तो कहता कि झूठावनो लोग भोलेनाथ बना दे, झूठावना बना दे, मजाक बका। हाँ, पिपरे के पेड़ के तरे सोरी में नीचे रहना। शंकर भगवान जो गांव में निकल गए, वो गांव के तो कल्याण हो सब लोग का रक्षा कर, यहाँ सब लोग उनका रक्षा करी, ये जा मंदिर बनाना। बात बताइए कि ये शिवलिंग कब निकला? ये शिवलिंग 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब मनरेगा वाले चालू है। कुशीनगर जिले में बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। कुशीनगर जिले में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला है। इस गाँव में हाहाकार मच गया है। कुशीनगर जिले में तमाम वीडियो वायरल हो रही है और हमारी टीवी समाचार की टीम इस वक्त कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया उस क्षेत्र के उस गांव में पहुंची है कि क्या वाकई, क्या सच्चाई है, क्या वाकई भोलेनाथ का ये शिवलिंग है या झूठ मूठ का खबर वायरल किया जा रहा है। और सबसे पहले यहां से हम शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? रुद्र सहनी। सहनी जी, ये कैसे निकल गया भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग? ये सब ये पर इतना ऊंचा रहो। हाँ। अभी काट के देखें आपके सामने सब फेंकल बा, दिखा दीजिए, दिखाइए थोड़ा उधर घुमाइए। हाँ बताइए, ठीक ना? हाँ। दूसरा छेव जैसे एक छेव मारल जाए ना कुदारी ढोसे ले। हाँ। फिर दूसरा छेव में वो डभिला में मिला बने जहाँ के कुदारी कूद दिया। हाँ। डभिला पर। हाँ। वहाँ मिला ना दूसरा छेव में, तो हम कहा नहीं बुझा, तो ईट पाठा ईटा उटा है का कुदरिया टूटी गई हम। हाँ। तो जब चौखे लगनी कोड़े तो कहीं इनके ले चलो कुदारी पीटे के ना, तो जब मैं पूरा जब इतनी आ गए फोटो वैसा दिखाई देता तब धो धा को जो मैं उधर आ गई। अच्छा। बहुत लोग खबर वायरल करता कि बहुत लोग कहते हुआ कि झूठ मूठ के खबर फैलावल जाता, क्या वाकई इस शंकर भगवान के कैसे मालूम चलता है कि शंकर भगवान के जोन बा शिवलिंग है? तस्वीर बल्लावत आ भाई, जे भी देखे वो देख ही ले, झूठ है कि गलत है कि बनावटी है। नजदीक से दिखा दीजिए सर, जूम करके दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए सर, ये देखिए, यही वो शिवलिंग है जिसको लेकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया है और लोगों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला है। थोड़ा दिखा दीजिए, घुमाकर दिखा दीजिए पूरा शिवलिंग, ये दिखा दीजिए, पत्थर है, हालांकि ये देखिए पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे और अगरबत्ती कपूर बारा गया है और जो है कि ये सनसनी की तरह खबर फैली तो हमारी टीवी समाचार की टीम पहुंची है गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? सहनी जी। रुद्र सहनी। रुद्र सहनी जी, तो यहाँ क्या बनेगा, मंदिर बनेगा? मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। पहले आप ही द्वारा ये निकाला गया, तब तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। अरे भाग्यशाली हो या पापी होखी, अगर हमारे भाग से निकलने और जमन भी हो के गांव के लोग के मदद देता कि यहाँ मंदिर बनी, तो मंदिर बनी के रही, मंदिर बन के रही। यहाँ का पहले से कुछ रहा लगा? यहाँ यहाँ पीपल के पेड़ रहल है। अच्छा, बहुत भारी था, बहुत भारी पीपल का पेड़ था। आइए आइए कुछ लोगों से और बात कर लें। यह का नाम हुआ त्योहार? हमारा नाम यह है सोजा इनरी। इनरी? हाँ। अच्छा। हाँ। कहाँ आइल बाड़ू यहाँ? हाँ। करे आई लू आई मानी अपन देखे आई मानी स्थान देखे आई मानी कहाँ स्थान बाना थे क्या बान है? अच्छा, भोलेनाथ ये हुए के हवे। अच्छा, लोग तो कहता कि झूठावनो लोग भोलेनाथ बना दे, झूठावना बना दे, मजाक बका। भोलेनाथ निशक बने, आई बने, सबके साग मुख कहिए बने, कैसे लोग झूठ बना दे चेतिया बा। पूजा पाठ भाई लकी ना यहाँ भाई लगे भाई पूजा पाठ? हाँ। यहाँ लोग कहा मंदिर वंदिर बनवाओ के मंदिर बनी नहीं। अच्छा। हाँ। मंदिर बनी। हाँ। कहिया ले बन जाए चाची? कहियो बन जाए, पर देना बनवाई जा। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लें, क्या नाम हो चाचा? दूधनाथ। थोड़ा इधर से घुमाइए कैमरे, आ जाइए इधर, आ जाइए आप, और उधर से घुमाइए, थोड़ा अंधेरा आएगा। बताइए ये कैसे वाकई, क्या सच है या गलत है? हम को यहाँ को जब छे दू मर ले तुम्हें निकलल तब प्रकट भैया तो देखल जाए मन पानी आज धोआ ही का सही है का झूठ है, धो के देखल गए सही है, तस्वीर निकल में उनके वो धराइल बा। बस लोग कहा था कि वही में सांप लपटल बा होने चारों ओर से, हमनियो के देखा तन जा सांप उप की तरह थोड़ा लागत हमें, और कि वो बाबा वाबा से भी देखावल गई ला कई बाबा देख के बता देना कल ये कि सही है झूठ नहीं है। अच्छा, सही है, सब सही है,
सोधे वाला बहुत सोच के चल गए, बता देना की घटिया जाना गलती नही बस सही बा। थोड़ा कैमरा घुमा कर चारों तरफ दिखा दीजिए सर कि गांव वाले कितने लोग यहां आ चुके हैं और यहां सनसनी की तरह खबर फैल चुकी है कि भोलेनाथ का जो है वो शिवलिंग निकला है और पूरे पूरे जनपद में फैल चुकी है। और आइए इनसे बात करते हैं, क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार ओझा। ओझा जी जी, ये खबरें झूठी फैलाई जा रही है या वाकई भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है? देखिए वाकई भोलेनाथ की ही शिवलिंग है, क्योंकि हमें जब मालूम हुआ तो हम लोग सजुपारी ब्राह्मण हैं और हम लोग जाके इसको पता करने के लिए ज्योतिषाचार्य हम लोग के जान पहचान के वहाँ पे अयोध्या जी में हैं लोग, उन लोग के पास हम लोग भेजे थे। उन लोगों ने भी देख के ये कहा कि ये इनमें है खासियत और ये लग रहे हैं कि ये जिंदा पत्थर हैं। और देखिए जिंदा पत्थर अगर है ठीक है तो उसकी पूजा अर्चन होनी चाहिए ठीक है। और ये मान्यता है, उन लोगों ने भी बताया कि अर्घ गृह में रख के ही इसका पूजन पाठ कराया जाए और न बड़ा तो छोटा ही मंदिर बनवा दिया जाए, छोटा मंदिर बनवा दिया जी। और ये देखिए ये यहाँ पे बहुत पुराना, हम लोग क्या हम लोग के दो चार पुस्तक के लोग भी नहीं जानते हैं कि कब से पीपल का पेड़ वहाँ पे था। अच्छा। और ये पीपल का पेड़ जब सूख गया और ढह गया उसके बाद ये मनरेगा का काम चल रहा था और हमारे यहाँ के रुदल सहानी मनरेगा का काम करते हुए इन्होंने प्रधान जी द्वारा बोला गया कि भाई इसको भी मिट्टी पर यहाँ पे गड्ढा उड्ढा है उसको भरवा दीजिए। तो ये भरवाने का कार्य कर रहे थे तो उसी में इनके फावड़े से लगे और फावड़ा से लगने के बाद इन्होंने निकाला और निकालने के बाद सफाई किया गया तो ऐसा मतलब उसमें दिखाई दे रहा है जैसे उनके ललाट पे बना रहता है वैसे उसमें रेघारी है, फिर सर्प का रेघारी वहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पत्थर पे। तो इसलिए भगवान भोले जी का ही कृपा हुआ है और इससे सभी गांव के लोगों का बहुत ही उत्साह पूर्वक उसी दिन से पूजन अर्चन का। बहुत लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये अंधभक्ति है, अंधभक्ति खत्म होनी चाहिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में अंधभक्ति कहाँ से ढुकाई? तो उन लोगों को हमारे सामने रख दिया जाए जो लोग अंधभक्ति की बातें मतलब कर रहे हैं, उन लोग से भी मैं थोड़ा बात कर लेता जो लोग भी अंधभक्ति का मतलब वीडियो वायरल कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो वायरल जी, क्योंकि देखिए मैं ऐसा बात नहीं है, मैं भी शिक्षित आदमी हूँ ठीक है, मैं भी इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बस अंधभक्ति वाली बात नहीं है और श्रद्धा पूर्वक ये बात सच्चाई है और भगवान भोले की ही कृपा है। कृपा है। आइए थोड़ा महिलाओं से भी बात कर लिया जाए, आ जाइए थोड़ा यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लिया जाए। का नाम हुआ दादी? अपन रजावती देवी। भगवान शंकर के कब शिवलिंग निकलल यहाँ? नरेगा काम होत रहल है बहुत, कई सतनत उतनत बीत गए, पीपर के पेड़ रहल है, वही पीपरे के पेड़ के तरे सोरी में नीचे रहल है, माटी है गड्ढा भरात रहल बराबर कक माटी वही के अंदर रहल है। अच्छा, हाँ तभी कड़ाई नहीं है तो मने अब आँखी के सामने बाने सब पंच के अब देख नहीं जा, अन्य तो बाने नहीं, 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 नहीं बाने, सामने बाने। हाँ तब तो गांव के कल्याण हो जाए, जैसे शंकर भगवान जो ने गांव में निकल गए वो गांव के तो कल्याण हो जाए। मने कब ये मान लो प्रगट भइल बने तो हमने उनका रक्षा करब तो नहीं करिए, वो हम उनका रक्षा करिए, हम उनके पूजब चाहे माने चाहे ना हमारे गांव तो मानता है, पूरा दुनिया ही है हमारे गांव मानता है। जब दिखाई दे बने जब जब पैदा ले ले बने सब लोग का रक्षा करिए तो वो लोग का रक्षा करिए, सब लोग का रक्षा करिए, सब लोग उनका रक्षा करिए, जा मंदिर बनाना है। आइए भैया थोड़ा तो नहीं भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? बालीकृष्ण सहानी जी। थोड़ा इधर से आ जाइए सहानी जी, हाँ जी। अभी तक कहाँ थे आप? ऐसा देखिए हम अभी तक नहीं थे, मतलब जैसे इसके पहले भी आ चुके हैं। हाँ। अब जैसे हम बहुत पुराना भक्ति करते हैं शंकर भगवान के भोले का। हाँ। बचपन से जब पढ़ते थे तभी से करते हैं। हाँ। लेकिन जो ही यहाँ आते हैं पता नहीं ऑटोमेटिक फिर जैसे देवी देवता मानिए चाहे भोलेनाथ है, लेकिन भोलेनाथ पुकार करते हैं हमको कि हम भोलेनाथ हैं। हाँ एक बात बताइए कि ये शिवलिंग कब निकला? ये शिवलिंग 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब मनरेगा वाले काम करने आए थे तो यहाँ 150 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष था, बहुत विशाल पूर्वी, और वो विशाल वृक्ष के नीचे जब खुदाई लोग किए तब ये शिवलिंग मिला है। और शिवलिंग मिलने के बाद यहाँ देखिए यहाँ शंकर जी का सर है,
इधर देखिए जो है नाग महाराज का पूरा शंकर जी का है शरीर जटा से बंधा हुआ है। हाँ नाग महाराज से बंधा हुआ है। आज ये सब सत्य की बात है। मैं भोलेनाथ बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं अब भगवान जी साक्षात दिए हैं, वरदान ये नहीं देवी देवता नहीं है, इस हर हर महादेव हैं। हर हर महादेव, आप मानिए कि नहीं मानिए, मानिए देवनाथ पत्थर, सही बात कह रहे हैं। लेकिन हम डर के मारे यहाँ नहीं आते हैं, जब आते हैं तो सवार हो जाते हैं। जिस रोज आए उसी रोज पता लगा, भोलेनाथ जी कहे कि मैं हर हर महादेव हूँ, बेटा देख ले। अगर कोई नहीं यहाँ एक ईंट रखवाएगा, पांच ईंट रखवा देना। हाँ हमने कहा ठीक है, हम पांच ही ईंट रखवाएंगे। लेकिन वो उसने बोला, भोले जी बोले कि ऐसा अगर कोई देगा ऐसा नहीं देगा, लेकिन किसी से झगड़ा तकड़ा नहीं करना है। सहानी जी, हाँ जी एक बात बताइए कि मीडिया में तमाम खबरें अब चल रही है कि ये सब जो है कि बकवास है, ये सब झूठ मूठ का अफवाह उठाया जा रहा है। हाँ जी, और अंधभक्ति है ये। हाँ जी, तो देखिए सच की बात है, स्पष्ट हो रहा है और पत्थर पर पूरे दिखाई दे रहा है कि गलत बात नहीं है। और मानिए तो देवनाथ पत्थर हर हर महादेव है, श्री भोले की बाड़ी है, मैं शिव भोले की बाड़ी से बोल रहा हूँ। अच्छा। वो गलत नहीं, देवी देवता नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। अच्छा। मैं हर हर महादेव शिव भोले। देखिए ये लोग यहाँ के लोग जाते हैं इटैया धाम करने के लिए, वहाँ धाम करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक ना। और देखिए जाते हैं लोग अयोध्या जी से शिवलिंग लाते हैं, बना बनाया हुआ शिवलिंग लाते हैं। अयो हमने साक्षात हर हर महादेव प्रकट हुआ हूँ, तो इसमें क्या गलती है बताइए ना। ये साक्षात हैं और वो लिल्या कर लिंग को बैठा करके पूजा करते हैं। भगवान आपके ऊपर आए हैं क्या शंकर? हाँ भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ हैं। अच्छा देखिए चाचा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है और आगे किसी को मान लीजिए अगर देवी देवता हो वो जांच ले कि क्या गलत है क्या सही है। भोलेनाथ खेलने के क्या कोई चीज खेल रहा है? अच्छा ये बात है, कुछ जांचना चाहता जांच ले। देखिए चाचा खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी को जांच करना हो भाई भोलेनाथ हैं कि क्या है, और वो जांच भी कर सकते हैं। और आइए कुछ उधर महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत बस बात कर लें, उसके बाद बंद करेंगे रिपोर्टिंग। और आइए आइए यहाँ थोड़ा सा बात कर लिया जाए। आइए आइए, भगले काम नहीं खे, अब तो भगवान निकल गए बड़े हैं, अब तो पूजा पाठ ही हो चाची। पूजा पाठ होता पूजा पाठ होता हाँ, पूजा पाठ सवेरे कहीं नहीं जाना है। मंदिर बनी तो सब बनी, अब तो गांव के कल्याण हो जाए, गांव कल्याण हो जाए। हमन के गांव में भोले जी ऊपर आ गई ना, तब उनकर रक्षा कर लिए, तो हम लोग रक्षा हो ही ना। आइए आइए इधर थोड़ा महिलाओं में देखी जाए क्या कुछ चल रहा है। क्या कुल बतियाओ तनी चाची? आइए बतिया ले तो छोट बढ़न भोले जी के मंदिर हमन के बनवाई जा। हाँ बहुत जमाने पर मनो भोले जी प्रकट भइल बानी, हमन के मंदिर बनवाई जा। हाँ पूजा पाठ करब जो लोग एकदम खड़ा बा। हाँ नहीं कोई लोग और भी कहता कि अंधभक्ति है झूठे, वैसे पत्थर निकल गए। एजा लेक बुलवा दी जो हाँ ये बात सही है चाहे झूठ है वो आदमी के। हाँ बुलवा दी एजा। हाँ क्या हो चाची, क्या कहता हूँ? मनोज आँख नहीं आदमी लौकता, साफ साफ लौकता। नहीं नहीं शंकर, देखिए हम टीवी समाचार के चैनल है, और हालांकि बहुत सारा लोग के क्वेश्चन रहला कि हमन के वे सवाल पूछे नहीं जा, और बहुत लोग कहता अंधभक्ति भी बा और कुछ लोग सही भी मानता, तो हमन के दोनों बात कर जला। हमन के सच मानता नहीं क्या सही हमन के कहता नहीं जा। सही कहता नहीं के छोट बड़ा मंदिर बनवा ले जा, हमन के पूजा करब जा। देखिए भाई यहाँ हलचल है, और एक तरह से देखी जाए तो